अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अभी सब जैसा अब एक रिवाज है हमारे अपने में, कौन सा रिवाज है का तो दाएं हाथ भड़क रही, सीधी आंख भड़क रही, खाना खुजा रहे, सिर खुजा रहा, चंद बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गैर बहन भी इसे फॉलो करते हैं और हमारे मुसलमान भाई भी थोड़े वो चंद गिने चुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इलम नहीं वो लगा फॉलो करते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह बात करना है हमको। तो दाएं हाथ भड़की पैसा आता, सीधे हाथ भड़की परेशानी आती, ऐसा घर आज नको जाने का, घर से बाहर बिल्ली आ रही, कुत्ता आ आया, चूहा जाते टाइम पे घुस गया पैंट में, कुछ चप्पल में कुछ काला आ गया, तो ऐसे बातों में बहुत ऐसा ज्यादा सोच रहे अपने, अल्लाह का नाम लेकर नहीं निकल रहे। इन चीजों को बहुत एतबार है अपने को, ये हुआ बोले तो ऐसा होता, उसे हुआ था हमारा भी होता है, जाने का नको क्या भी करने का नको करने की बात को बहुत ही करना। तो आपका क्या राय है उसके बारे में थोड़ा तफसील आप। अल्हम्दुलिल्लाह कफा सलामुन अला इबादिल लजीन इस्तफा अम्मा बाद फऊजु बिललाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين। अब मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी। जी जी। उसका तर्जमा ये कि जी कि तुम ऐसों को मत पुकारो जी अल्लाह के अलावा जी जो ना तुमको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान जी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने ऐसा किया तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या कहा जा रहा है कुरान की आयत के बारे में जी कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारने का। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होंगे, जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जो काना खुजाते पैसा आते आग पढ़ के पैसा आते जी 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 ऐसा ना बिल्ली रास्ते में गई तो सफर नहीं करने का हैं जी जी। इसको क्या बोलते हैं, बुरा शगुन जी जी, बदशगुनी बोलते हैं इसको। बदशगुन क्या बोलते हैं, शुकन अपशुकन बोलते हैं। बदशगुनी बदशगुनी किसे बोलते हैं जी जी जी। आदमी का ये सोच ये फिक्र रहना ये अकीदा रखना जी कि अगर मान लो उसको सफर करना है कहीं जी कहीं सफर कर रहा है, अब वो क्या करता बिल्ली देख लिया, अब वो सफर से वापस आ गया जी जी, इसको क्या बोलते हैं, बदशगुनी जी जी। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, अल्हम्दुलिल्लाह के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह है जी। जो भी नफा नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है, बेशक अल्लाह ताला है, बेशक दूसरा कौन भी नहीं। आपका रास्ता बिल्ली काटे ना काटे जी आपको सफर जारी रखना जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। और ये जमाने जाहिलियत में जी जो इस्लाम नहीं आया था उससे पहले की बात है जी, लोग क्या करते जब सफर करना होता तो फाल निकालते, फाल बोलते थे, यानी तीर चलाते ऐसा जी। अब तीर चलाते वो अगर तीर सीधा जाने गया तो सफर करते, अगर तीर वापस आ गया, तीर चलाते तीर चले गया, तीर चला गया वापस नहीं आया तो क्या बोलते हैं, सफर करो अच्छा बिजनेस होगा, जब तजारत अच्छी तजारत होगी जी ना जी। अगर तीर वापस आ गया तो क्या बोलते हैं, नको आज क्या तो मुसीबत आने वाली है जी जी, है ना। इसी तरह से कोई उल्लू बैठ जाता घर में तो क्या बोलते हैं, आज उल्लू बैठ गया ना घर में तो आज घर में खैर नहीं है जी जी जी, या तो हमारा बच्चा मरता है या तो कौन सी बीमारी लगती है या तो हमारे घर में कोई आफत आती मुसीबत आती जी जी। तो बिल्ली बहरहाल रास्ता काटे ना काटे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सफर में जी, सफर में कौन भी पड़ने वाला नहीं कुछ भी, जो नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला वही नुकसान मालिक। और जो आँखियाँ फड़कते ऐसा जो लोग सोच रखते कान फड़कते पैसा आते, अगर ऐसा आता पैसा तो हर कोई सौकार बन जाता, कमाने में उसको क्या जरूरत थी, अरे इसको मेहनत क्यों करता, वो दुकान क्यों खोलता, जाकर के सुबह दुकान बैठा रहता 24 घंटे ड्यूटी देता, कहीं 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 12 घंटे ड्यूटी देता जी, क्यों रात को जगता क्यों दिन को जाके इतना मेहनत करता जी, आँखें फड़क के हो गया उसके पैसा आ गया, कान खुजाए पैसा आ गया हो जाता, हाथ पाँव पड़ के पैसा आ जाता उसका जी जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हर कोई जो है घर में जी बैठ करके पैसा कमा सकता था, पैसा कमा उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं सही। तो ये बातिल अकीदा है जी, बिल्कुल सोच गलत है जी।
ये बिल्कुल मुशरिकाना अकीदा है, अल्लाह अकबर, ये हमारा नहीं गैरों का अकीदा है, गैरों की सोच है, गैरों की फिक्र है, बेशक बेशक। इसलिए अपने आप को बचाना, पैसा देने वाला, रुपया देने वाला अल्लाह ताला रिस्क मालिक क्या है, इन्नल्लाह और रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही कुव्वत वाला है, रिस्क देने वाला है, तो लिहाजा जब रिस्क देने वाला वो अल्लाह ताला है तो हमें उसी पर भरोसा करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, जिद्दोजहद करना चाहिए और ये सब जो बातिल अकीदे हैं इनसे अपने आप को, अपने अहले आल को, फैमिली को, घर वालों को, दोस्त अहबाब सब बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे बातिल अकीदे से बचाए। आमीन।